कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं 3 बारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, तो इस बार फाइनलिस्ट में अपना नाम देख के मुझे बहुत अच्छा। टाइम टेबल मेरा कोई ऐसा स्ट्रिक्ट मैं फॉलो नहीं करती थी, मैं रात को पढ़ना पसंद करती हूँ, तो थोड़ा सा दिन में मैं लेट भी उठती थी तो रात को मैं उसे कवर अप कर लेती थी, पर मेरा गोल यही रहता था कि मैं कम से कम 6 या 7 आवर्स अ डे ज़रूर पढ़ूं, तो 7 आवर्स मैं गोल बनाकर रखती थी। चाहे कि हम लोग ना चीज़ें कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो अगर अगर हमें अपने रिसोर्सेज पहली बात तो ये कम रखने चाहिए और बार बार उन्हें ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए, तो अपने रिसोर्सेज कम रखना, और दूसरा क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, तीसरा मुझे लगता है स्लीप स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ मनीषा मैम है। मैम इस बार यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्लियर की है। मैम से पूछने वाला है कि मैम ने कैसे पढ़ाई किया, कितने घंटा पढ़ी, कौन कौन सा बुक पढ़ाई की, क्या स्ट्रगल रहा, कैसा जर्नी रहा, सब कुछ पे बात करने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं सीधा मैसेज करके। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम कैसा फील कर रही है यूपीएससी एग्ज़ाम? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं 3 बारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, तो इस बार फाइनलिस्ट में अपना नाम देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम शुरुआत से अपना एजुकेशनल मतलब जर्नी बताइए। मेरा नाम मनीषा तूर है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किया है SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। तो ऑप्शनल का चयन आपने कैसे किया सोशोलॉजी? मुझे लगता है कि आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप मतलब किसी भी ऑप्शनल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है आपको सिलेबस चेक करना चाहिए कि वो कितना बड़ा है। सिलेबस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उतने टाइम फ्रेम में उसे कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि उसका पिछले कुछ सालों में कितना स्कोरिंग रहा है वो सब्जेक्ट, तो वो भी एक फैक्टर होना चाहिए। और तीसरा आपका इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो आप ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है ग्रास्प कर पाएंगे उसको। तो ये 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए। जी जैसे कि मैम आपने बताया कि 3 बार आपने प्रीलिम्स नहीं मतलब क्वालिफाई कर पाए, इसके बाद चौथी बार में सीधा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक मतलब यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो क्या दिक्कतें आ रही थी आपको, मतलब कहाँ पे कमी थी? मुझे लगता है कि 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। पहला होता है कि एंग्जाइटी और फेयर जो हमें रहता है उससे पैनिक क्रिएट होता है, तो पैनिक ना करें और पेपर में अपने आप को काम काम बना के रखें अपना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मुझे लगता है कि मैं हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग स्किप कर देते हैं पढ़ना, तो पहला लाइन पढ़कर हम ऑप्शनल पर जंप ऑप्शंस पर जंप कर देते हैं, तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा मुझे लगता है कि अपना पेपर से पहले आपको स्लीप पूरी लेनी चाहिए, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि वहाँ पर फिर दिमाग चलना थोड़ा सही नहीं होता है, मतलब सही नहीं हो पाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है मेरी यही गलतियाँ थी। जी अपना टाइम टेबल बताइए कि कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया सब कुछ। टाइम टेबल मेरा कोई ऐसा स्ट्रिक्ट मैं फॉलो नहीं करती थी, मैं रात को पढ़ना पसंद करती हूँ, तो थोड़ा सा दिन में मैं लेट भी उठती थी, तो रात को मैं उसे कवर अप कर लेती थी, पर मेरा गोल यही रहता था कि मैं कम से कम 6 या 7 आवर्स अ डे ज़रूर पढ़ूं, तो 7 आवर्स मैं गोल बनाकर रखती थी, चाहे मुझे वो दिन में कंप्लीट करना पड़े या रात में, बट आई लाइक टू स्टडी एट नाइट। यस। अच्छा, कई एस्पिरेंट ऐसे कहते हैं मैम कि 12 घंटा 13 घंटा पढ़ा मैंने, लेकिन आपने 6-7 घंटे में कर दिया, फिर कैसे? पर नहीं, ऐसा नहीं है कि 12-13 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे ही प्रीलिम्स आने वाला होता है या मेंस आने वाला होता है, जस्ट एक हफ्ते में आने वाला है, तो ऑफ कोर्स स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं, 10 घंटा भी हो जाता है, बट 7 आवर्स अगर आप डेली कंसिस्टेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं 6 या 7 घंटे तो मुझे लगता है कि दैट विल बी इनफ। मैम अगर सिलेबस की बात की जाए यूपीएससी का, तो कितना दिन में मतलब प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस मतलब कवर किया जा सकता है? देखिए लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, तो मेरे को लगता है आइडियल टाइम फ्रेम इज़ 1 ईयर, बट मेरे पास तो काफ़ी टाइम था, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक 1 ईयर इज़ इनफ। जी अच्छा, 1 ईयर। मीन्स की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए।
मैं आंसर राइटिंग पहला मैं ये कहना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग हमें स्टार्ट तभी करना चाहिए जब हम एक बार ही सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों. तो मैंने भी अपना सेकंड अटेम्प्ट से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया था. तो मैं सिक्योर प्रोग्राम फॉलो करती थी इनसाइट्स का, उसमें से दो क्वेश्चंस कोई भी वो लोग जो पोस्ट करते थे पिक करती थी और खुद से आंसर्स लिखती थी, फिर उसे इवेल्युएट करती थी मॉडल आंसर्स के बेसिस पे. आपने फ्रेंड्स जो भी आपके प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे भी आप चेक करा सकते हैं. तो इस तरह मैंने पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया अपना आंसर राइटिंग. और उसके बाद जब एक्चुअल मेंस देना था मुझे, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ विजन की ज्वाइन की थी. तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि मैं क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हूँ या क्या क्या चीज़ें उसमें एडिशन की ज़रूरत है. तो इस तरह से अपने आंसर राइटिंग को सप्लीमेंट किया मैंने. अच्छा. जी मैम, NCERT मतलब कौन कौन सा पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए? मेरे को लगता है NCERTs बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको NCERT जी आप कॉमर्स के हैं. जी जी, तो उसके लिए आपको बेसिक, अगर आपको एक बेसिक पकड़ चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए NCERT मैं रिकमेंड करूँगी कि हमें पढ़नी ही चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी NCERTs पढ़िए स्टार्टिंग से 6th से लेकर 10th तक की, बट कुछ सब्जेक्ट्स के लिए NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके अंदर 12th का ओल्ड NCERT पढ़ते हैं लोग, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिटी में आप 11th स्टैंडर्ड का NCERT पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके से आप NCERTs पहले पढ़िए ताकि बेसिस क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद आप उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं एडवांस्ड बुक्स से. जी जैसे NCERT मैम ओल्ड और न्यू का भी एक चक्कर देखने का आता है, तो क्या करें उसमें, मतलब कौन सा पढ़ा जाए? देखिए, ये तो आप किसी भी टॉपर की अगर बुक लिस्ट फॉलो करें तो आपको पता चल सकता है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बता देते हैं. बट ओल्ड NCERTs बोलते हैं, मतलब जनरली आपको मॉडर्न हिस्ट्री की ओल्ड NCERT होती है, एंशियंट इंडिया की ओल्ड NCERT होती है, बाकी आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए आप न्यू NCERTs पढ़ सकते हैं. जी मैम, प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे नए स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करें? प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, दूसरा करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. तो मैंने भी ऐसे 40-50 पेपर्स लगाए थे प्रीलिम्स से पहले. तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं पहले मॉक टेस्ट देकर, तो वो आपको बेटर रहता है. तो आप पहले जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. दूसरा CSAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CSAT को लाइटली नहीं लेना चाहिए. मैं रोज़ एक घंटा CSAT का प्रैक्टिस ज़रूर करती थी, क्योंकि मेरा खुद का, मतलब पर्सनली मेरा मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो आप CSAT की प्रैक्टिस करिए और उसकी भी प्रीलिम्स के GS की भी. जी प्रैक्टिस, जैसा कि मैम आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा, तो जैसा कि PCS वगैरह का मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर आते हैं, रिपीट होते हैं, तो UPSC में डायरेक्ट रिपीट होते हैं क्या? डायरेक्ट रिपीटेशन तो मैं कहूँगी नहीं होता है, बट क्वेश्चन के पैटर्न आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस किस तरीके से आते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरे को लगता है रिपीट नहीं होते हैं. कुछ 11th 12th के मतलब जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं भविष्य में मतलब UPSC की तैयारी किया जाए, तो वो लोग क्या करें अभी, मतलब 11th 12th में? तो मुझे लगता है पहले तो उनको अपने ग्रेजुएशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लाइफ का हर फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए पहले, और अगर आपको साथ के साथ पढ़ना है और आपको लगता है कि मुझे पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी हैबिट डेवलप कीजिए, और बाकी जो NCERTs अगर आप पढ़ना चाहते तो आप वो कर सकते हैं. बट आई थिंक हर चीज़ अपने टाइम पर अच्छी लगती है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. जी आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया था मैम? इंटरव्यू के लिए मैंने कोई खास ऐसे अलग से तैयारी नहीं की थी. आप इंटरव्यू के लिए बेसिकली वो आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं, UPSC इंटरव्यू नहीं बोलता है उसे, पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है. तो आप अपने स्पोकन स्किल्स पर काम कर सकते हैं. उसके अलावा आपको अपना जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स आपने जो पेपर के लिए पढ़े हैं वही चीज़ आपको पढ़नी होती है, वापस रिवाइज करनी होती है. उसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप करने होते हैं. उसके अलावा मुझे लगता है ओपिनियन बेस्ड जो चीज़ें होती है वो इम्पॉर्टेंट रहती है इंटरव्यू में, कि जो भी अगर इवेंट चल रहा है करंट में, आप उसके ऊपर अपना बैलेंस्ड ओपिनियन बना के रखिए, और वो आपसे हो सकता है वो पूछ लें.
तो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट आर नीडेड. और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इंटरव्यू में, ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप बहुत ही मतलब अपोलोजाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बट आपको ऑनेस्टी के साथ आंसर देना चाहिए बिकॉज दे डिटेक्ट वेन एवर यू लाई. तो आपको ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में. मैम, करंट अफेयर के बारे में कुछ बताइए, करंट अफेयर कैसे पढ़ा गया यूपीएससी के लिए? मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था, मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैंने स्किप नहीं करा कभी भी न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में चाहे आपको एक घंटा लगता है, दो घंटा लगता है, आप मेरे को लगता है आपको देना चाहिए, वर्थ इट है. तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए और फिर जब उसके अंदर से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए. मैं नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर के, स्पाइरल एक बड़ा सा ले लिया था मैंने और उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए थे. फिर जैसे ही जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती थी तो मैं उसको उसमें ऐड कर देती थी. तो लास्ट में कंपाइल्ड वर्जन हो जाता था मेरे पास न्यूज़पेपर नोट्स का, तो वो एक ईजी ऑप्शन रहता है रिविजन के लिए. उसके अलावा आप उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन के साथ. तो करंट अफेयर्स मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर का नोट्स इज़ व्हाट आई स्टडीड फॉर करंट अफेयर्स. जैसे कि कई एस्पिरेंट कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से समय बर्बाद होता है, देखिए ये अपना पर्सनल चॉइस है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए क्योंकि आप अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में वो चीज़ें दर्ज हो जाती हैं, तो वो आपको लास्ट में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकता है कुछ चीज़. तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम जी. मैम, GS4 पेपर में काफ़ी दिक्कतें होती है एस्पिरेंट वगैरह को, तो मतलब कैसे उसको मतलब किया जाए? GS4 के लिए मैंने लेक्सिकॉन पढ़ी थी, लेक्सिकॉन के साथ साथ विजन के मैंने नोट्स पढ़े थे. और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एथिक्स के लिए है कि आप सिलेबस जब देखें तो उसके अंदर कुछ कुछ वर्ड्स हैं, इंटेग्रिटी हो गई, कंपैशन, ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं कीवर्ड्स, तो आप उन वर्ड्स को उठा लीजिए और उन पे नोट्स बनाइए. और मतलब किसी भी एक वर्ड के ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए. उसके अलावा आप केस स्टडीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाफ द पेपर इज़ केस स्टडीज़. तो केस स्टडीज़ के लिए आप लेक्सिकॉन के ही अंदर देख सकते हैं. उसके अलावा आप टॉपर्स कॉपी चेक कर सकते हैं कि वो लोग कैसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उससे आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क पता लग सकता है, दैट इज़ द थिंग. मैम, जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट वाला दिन पूरा कैसा रहा और सबसे पहले किसने रिजल्ट देखा? हम लोगों को पता चल गया था कि रिजल्ट्स एक घंटे पहले कि रिजल्ट्स अब आने वाले हैं. तो मैं तो बहुत ही नर्वस थी, मैं तो अपने रूम से नहीं निकली पूरे दिन. और जैसे ही रिजल्ट आया मैंने अपने भाई को PDF फॉरवर्ड कर दिया था और उसने मेरा रिजल्ट चेक करके मुझे बताया कि फाइनली अब आ गया है लिस्ट में नाम. तो मैं तो कभी अपना रिजल्ट्स खुद नहीं चेक करती, हमेशा मेरा भाई चेक करता है. वो दिन पूरा कैसा निकला आपका, कैसा रहा वो दिन? वो दिन बहुत अच्छा था, बहुत ही ऐसे मेमोरेबल दिमाग में रह गया है कि एक बहुत ही अच्छा ऐसा माइलस्टोन टाइप हो गया है. और उस दिन उसके बाद हम लोग बाहर गए थे घूमने और वी हैड अ गुड डिनर एंड यू नो फैमिली गेट टुगेदर टाइप्स. तो अच्छा था वो दिन, बहुत अच्छा था. इस एग्जाम के लिए मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन आपको पहली बात तो ये मेरे को लगता है अंदर से आनी चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपने अंदर से ही होता है कि आई हैव टू क्लियर इट, अब मैं इसमें जंप किया हूँ तो मुझे दूसरे पार जाना ही है. उसके अलावा मुझे लगता है कि यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कॉन्स्टेंट टच में रहिए, उन लोगों के साथ टच में रहिए जो लोग आप में बिलीव करते हैं. तो आई थिंक वो लोग भी आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं कि वेन एवर यू फील लो, बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार ही हुआ है मेरी जर्नी में, क्योंकि 4 साल में 3 बार ही प्रिलिम्स फेल किया और फिर बहुत अंदर से बुरा लगता है. बहुत सारे आपके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग सेटल हो चुके होते हैं तो उस टाइम आप एक्चुअली बहुत लो फील करते हैं. तो उस टाइम आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करके रखिए, जो लोग आप में बिलीव करते हैं और आपको बार बार यू नो याद दिलाते रहते हैं कि आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं. 3 बार जब मैम आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो क्या लग रहा था, इस बार आपको लग रहा था कि फाइनल में आप आ पाएंगे लिस्ट में?
ऑनेस्टली मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि मेरा इस साल रिजल्ट कैसे आने वाला है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार भी प्रीलिम्स नहीं होता है तो आई विल जस्ट ड्रॉप दिस एंड मैं अपना एकेडमिक्स में वापस चली जाऊंगी। तो मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बट जब प्रीलिम्स हो गया और फिर उसके बाद मेंस भी हो गया तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अब लास्ट स्टेज है जो इंटरव्यू की, मैं कर सकती हूँ। तो आई थिंक एक स्टेज क्लियर करने के बाद वो बूस्ट आता ही है, तो इस तरह से आप अपने आप को अगर बना के रखेंगे तो हो जाएगा। इट इज़ नॉट यू नो नॉट अ थिंग कि नहीं हो सकता है। अगर मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।